जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि आपको पता है, आपने ऑनलाइन फॉर्म यहीं से भरा होगा, ठीक है। पहले इसकी दोस्तों मैं देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने कर्सर हाईलाइट कर रखा है, इम्पोर्टेंट डेट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दो डेट दिख रही होंगी। सबसे पहले 6 अप्रैल आपकी लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है आई थी, उसके बाद क्या था कि ये अपडेट कर दी गई थी, मतलब एक्सटेंड कर दी गई थी डेट, वो हो गई थी 22 मई की, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की। अब बात आती है आपकी कि एग्जाम कब होगा, तो मैं आपको उसको भी बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा डेट एक्सटेंड हुई है तो मैं जो डेट बताऊंगा वहां पर भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं उस PDF पर लेके चलता हूँ। देखिए ये एक आपकी PDF है, आपको दिख गया होगा, इसमें लिखा है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली, ये ऑफिशियल PDF है। आप मैं अभी बताऊंगा ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें उन्होंने क्या बोला कि परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जाएगी, ठीक है। कृपया सटी मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के लिए आप वेबसाइट से जुड़े रहें उस पर अपडेट आ जाएगी, लेकिन परीक्षा जुलाई में ही होने वाली है, ठीक है। जैसे मेरा मानना है कि मिड में हो, मतलब बीच में आपकी हो जाएगी, ठीक है। और NT की वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और CUET की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि पूरे जो एग्जाम है आपका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, और सारा MCQ होगा। और उसमें मैंने अभी आपको वो बता दिया था इससे पहले एक वीडियो में कि आपका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। तो उसी पर यहाँ पर एक चीज़ है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन की चीज़ एक दे रखी है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो एक तो लैंग्वेज का और कोर सब्जेक्ट, इन दोनों का 45-45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और जो आपकी एक जनरल टेस्ट होगा उसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और इन्होंने बोला केवल अभ्यर्थी को केवल उसके द्वारा चुने गए परीक्षणों में उपस्थित होना आवश्यक है, मतलब जो एग्जाम सेंटर आपने सिलेक्ट किया है उसी में ही आपका एग्जाम होगा, उसके अलावा किसी में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। दोस्तों बात थी डेट की, वो तो क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बताता हूँ। देखिए ये है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से कि आपको वो प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें लेटेस्ट जो न्यूज है वो आती रहती है, आप यहाँ से देख सकते हो। और आपको अगर मॉक टेस्ट देना है ना, मॉक टेस्ट भी आप यहाँ से दे पाओगे, क्योंकि दोस्तों CUET क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे आपका हर किसी यूनिवर्सिटी में, आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा विदाउट किसी जो बोलते हैं ना स्कोर के, जो मेरिट लगती है आपकी हाई स्कूल और ट्वेल्थ की कट ऑफ लगती है ना, उसको छोड़ के हर कोई, उससे कोई भी मतलब नहीं है आपका। अगर आपने ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आपका आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मॉक टेस्ट भी आपको पता पड़ेगा, मैं अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लिंक है मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इस वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लिंक की टेंशन मत लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम सिलेक्ट करना है। देखिए NTA इतने सारे एग्जाम कराती है, GMAT, UGC, NET, NEET का, JNU, बहुत सारे हैं। तो उसमें सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा CUET, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर सिलेक्ट करना है। देखिए अभी इसमें पेपर में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों अभी इसका मॉक टेस्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, उस दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आप इसको रेगुलर चेक कर सकते हो, ठीक है। यहीं पर आपका मॉक टेस्ट आएगा, लेकिन इसके अलावा मैं खुद आपके लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आप सभी उसको दे पाओगे, ठीक है। आप टेस्ट कर सकते हो और बहुत देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार क्राइटेरिया दिखा देता हूँ कैसा होगा। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम इधर सिलेक्ट कर लिया, उसको मैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ, तो लॉगिन, ठीक है, इसको यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे प्रोसीड पर क्लिक किया तो मेरा ऐसा पूरा जो UI है, यूजर इंटरफेस, मेरे को ऐसा दिखेगा। अब इस पर मैं देखिए सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, और जैसे ही मैं अटेम्प्ट करता जाऊंगा मेरा यहाँ पर मार्किंग दिखती जाएगी, मैंने कितने क्वेश्चन के आंसर दे दिए, कितने विजिट नहीं किए, और इधर ग्रीन उसमें भी मार्क हो रहा है, ठीक है। और इसमें ऐसे ही मैं देते जाऊंगा और मैं इसका भी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे को रिव्यू में बताएगा इतने क्वेश्चन मैंने इसमें अटेम्प्ट किए, इतने इसमें और इतने नॉट वेस्टेड। अगर आप सबमिट करना चाहते तो यस कीजिए और आपका सबमिट हो चुका है, रिजल्ट देख सकते हो। तो रिजल्ट में आपका स्कोर बताएगा कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए। लेकिन दोस्तों जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूंगा वहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग को भी लगा कि कितना स्कोर बन रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और आपको ये एक चीज तो पता होनी चाहिए कि NTA आपको इस एग्जाम के बाद एक स्कोर कार्ड देगा, उस स्कोर कार्ड के हिसाब से ही आपका यूनिवर्सिटी में एग्जाम मतलब उसमें एडमिशन हो जाएगा उसी स्कोर कार्ड के वजह से, ठीक है। यही है CUET की पूरी जानकारी, और मैंने बता दिया कि आपकी एग्जाम डेट जुलाई 2022 में ही होने वाला है, और मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो PDF मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, ठीक है।
अब देखिए मैं इस वेबसाइट पर आ गया और यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा है FAQ, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप हिंदी या इंग्लिश जिस सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे आप उसमें ये मिल जाएगा। जैसे मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट पर क्लिक किया तो मेरे पूरी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में यहाँ पर मिल जाएगी और इसी में ही वो जानकारी यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है। और देखिए डेट वेट का भी आपको इसमें नीचे और मिल जाएगा। देखिए व्हेन द एग्जाम गोइंग टू बी हेल्ड, एग्जाम विल बी हेल्ड इन जुलाई 2022, प्लीज बी इन टच विद NTA वेबसाइट फॉर द एग्जैक्ट डेट एनी अपडेट्स इन द रिकॉर्ड, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है। तो दोस्तों जानकारी जहाँ तक है पूरी हो चुकी है, मेरे को आशा आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती रहेगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए और धैर्य बने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।